Subscribe to my channel for more amazing content. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग अपने जीवन में काफी कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, दो टीवीज ऐसी हैं जो कि आप लोगों को फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल के दिन जो है दोस्तों लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगी। और ये जो दोस्तों टीवीज हैं, डेफिनेटली आप लोग भी जो है कंफ्यूज होंगे कि दोनों में से कौन सी खरीदे। एक तरफ आती है आपकी ब्लॉपंट की तरफ से 45,000 रुपीज की, और दूसरी तरफ जो है दोस्तों आप लोगों को थॉमसन की तरफ से 55 इंच वाला क्यूलेड मॉडल देखने को मिलता है 41,000 रुपीज का। तो दोनों ही टीवीज में दोस्तों आप लोगों को साइज 55 इंच मिल रहा है, क्यूलेट टेक्नोलॉजी जो है यहां पे देखने को मिल रही है। और दोनों ही जो है दोस्तों एज ऑफ नाउ अगर इंडिया में देखें काफी ज्यादा पॉपुलर कंपनीज हैं। स्पेशली अगर मैं एग्रेसिव प्राइस की बात करूं तो दोनों ही कंपनीज जो है दोस्तों फॉर ए पर्टिकुलर प्राइस रेंज आप लोगों को बेहद ही अच्छे कंपोनेंट, बेहद ही अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ में जो है यहां पे प्रोवाइड कर रही है। तो ये 4,000 रुपए का प्राइस गैप जो है दोस्तों यहां पे 55 इंच में आपको क्यों देखने को मिलता है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। याद रखिए दोस्तों, दोनों ही केस में आप लोगों को 65 इंच वाले भी मॉडल मिलते हैं और 55 इनसे छोटे वाले मॉडल भी मिलते हैं, लेकिन मैंने जो है दोस्तों फॉर द फेयर कंपैरिजन 55 इंच वाला ही जो है मॉडल यहां पे लिया हुआ है, जो कि मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द इंडियंस विल प्रेफर। और 55 इंच का जो साइज है दोस्तों मुझे लगता है 12x12 या फिर 10x10 इंच या फिर 15x15 तक जो है बिल्कुल फिट बैठता है इंडियन होम्स के हिसाब से। तो इंडियन होम्स की अगर आप एवरेज साइज देखेंगे दोस्तों, एक पर्टिकुलर रूम जो होता है आप लोगों को ज्यादातर 15x15 से जो है छोटा ही देखने को मिलेगा। तो उस केस में 55 इंच का जो टीवी साइज होता है काफी ज्यादा परफेक्ट यहां पे देखने को मिलता है। तो दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या कुछ डिफरेंसेस हैं, वो जो है मैं आप लोगों के सामने क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों एक चीज, एक फिनोमिनन जो कि यहां पे चल रहा है वो हम लोग समझते हैं। मान के चलिए आप अपने एक चॉकलेट खरीदने गए एक दुकानदार के पास में, आपने पूछा 100 रुपए के अंदर जो एक अच्छी चॉकलेट है वो मुझे दीजिए। एक दुकानदार ने पर्टिकुलर चॉकलेट आपको जो है दे दी, और कुछ दिनों बाद आपका दोस्त जाता है सेम सवाल उस दुकानदार से पूछता है, तो उसने जो है दोस्तों सेम 100 रुपए के अंदर जो अच्छी चॉकलेट आप लोगों को दी थी वही जो है आपके दोस्त को भी पकड़ा दी। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर एक अच्छा कंपोनेंट जो होता है दोस्तों उसकी यहाँ पे लिमिट हो जाती है। तो सेम चीज यहाँ पे आप लोगों को जो है देखने को मिलती है। दोनों ही टीवी की जो प्राइस रेंज है दोस्तों लगभग आप लोग यहाँ पे मान सकते 40 से 45 हज़ार रुपए के अंदर है। तो दोनों के अंदर जो पैनल क्वालिटी आपको मिलती है, जो पैनल जो कंपनी है दोस्तों वो भी एग्जैक्ट यहाँ पे सेम देखने को मिलती है। तो दोनों ही 4K पैनल आपको लोगों को देखने को मिलता है। दोनों के अंदर आपको जो है क्यूलेट टेक्नोलॉजी यहाँ पे जो है देखने को मिलती है। दोनों के ही अंदर दोस्तों यहाँ पे जो पैनल ब्राइटनेस है आप लोगों को 550 निट्स देखने को मिलती है, और जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलता है दोनों के अंदर दैट इज 5000:1। तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट जो फॉर्मेट सपोर्टिंग है दोस्तों दोनों पैनल करते हैं, चाहे आप डॉल्बी विजन ले लीजिए यहां पे या फिर HDR 10 प्लस ले लीजिए, दोनों ही केस में आपको जो है यहां पे सेम देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि पैनल में एक में अच्छा है एक में खराब है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। दोनों ही केस में आप लोगों को जो पैनल मिल रहा है वो A to Z एग्जैक्टली यहां पे जो है सेम यहां पे आप लोगों को देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं दोस्तों यहां पे कौन सी चीजें कॉमन है। तो आप लोग ने दोस्तों यहां पे देखा होगा कि गूगल टीवी जो है दोनों ही केस में आप लोगों को देखने को मिलती है, दैट मींस अबाउट 10,000 प्लस एप्स जो है आप लोग यहां पे रख सकते हैं। दोनों ही केस में आप लोगों को जो है दोस्तों क्रोमकास्ट बिल्डिंग यहां पे देखने को मिलता है। दोनों ही केस में एप्पल टीवी प्लस जो है यहां पे आप लोगों की वर्क करती है, और साथ में गूगल असिस्टेंट स्किल मोड का जो है आप लोगों को यहां पे सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम एप्स अवेलेबिलिटी ऐप फंक्शनैलिटी के बारे में देखें तो दोनों ही केस में कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। एक चीज दोस्तों एक्स्ट्रा एड ऑन मैं यहाँ पे अपनी तरफ से ऐड करने वाला हूं, अगर आप इतनी महंगी टीवी ले रहे हैं तो बिल्कुल एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन भी जो है दोस्तों आप अपने घर में बिल्कुल लगवा लीजिए। बिकॉज ऐसी टीवी अगर आपके पास दोस्तों अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप जो है इन टीवीज का ट्रू वैल्यू, जो ट्रू पोटेंशियल है, जो कमाल ये टीवीज जो है दोस्तों अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के साथ में कर सकती है, वो यहाँ पे जो है दोस्तों आप लोग बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। एंड वंस अगेन, अगर आप लोग दोस्तों सोच रहे हैं कि आप जो है इसे मोबाइल डेटा जो कि 1.5 से 2 GB पर डे आपका मिलता है उसके साथ में इन टीवीज को चलाएंगे, तो डेफिनेटली दोस्तों कहीं ना कहीं आप जो है इन टीवीज का बिल्कुल जो है बेनिफिशियल यूज नहीं कर रहे हैं। आपको 4K टीवी जो है कंपनी यहाँ पे दे रही है, तो डेफिनेटली आप जो है अपना इंटरनेट कनेक्शन 4K के हिसाब से यहाँ पे करके रखिए, ताकि जो है आप लोगों को बेहद ही अच्छे क्वालिटी का जो स्क्रीन है, बेहद ही अच्छे क्वालिटी का जो दोस्तों वीडियो रेजोल्यूशन है वो यहाँ पे देखने को मिल जाए।
बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे बेजललेस डिजाइन की, तो दोनों ही केस में आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों जो डिजाइन आप लोगों को देखने को मिलता है बेहद ही बेजललेस देखने को मिलता है। इनफैक्ट तीनों तरफ से जो है आप लोगों को बेजल या फिर नैरो बेजल आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं वो देखने को मिलती है। और अगर मैं नीचे की तरफ बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे आप लोगों को जो है छोटा सा वेबकैम दोनों ही केस में देखने को मिल जाता है, बिकॉज यहाँ पे गूगल डुओ की फंक्शनैलिटी आती है, तो गूगल डुओ के लिए जो है दोस्तों यहाँ पे कैमरा लगता है, तो वो जो है दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है। दोनों ही केस में दोस्तों आप लोगों को जो है स्टैंड देखने को मिल जाता है पैकेज के साथ में, और दोनों ही टीवीज को जो है आप लोग यहाँ पे इजीली वॉल माउंट यहाँ पे कर सकते हैं। दोनों ही केस में दोस्तों आप लोगों को जो है यहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ या फिर 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों का ही सपोर्ट देखने को मिलता है। दोनों ही केस में आप लोग जो है ब्लूटूथ 5 का सपोर्ट यहाँ पे ले सकते हैं। इनफैक्ट दोनों ही केस में आप लोग जो है दोस्तों आराम से अपनी टीवी से अपने जो ब्लूटूथ नेकबैंड हुआ हेडफोन हुआ वो जो है आप लोग यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपके जो भी घर वाले हैं उनको उतना कुछ यहाँ पे डिस्टर्बेंस देखने को ना मिले। बात करते हैं दोस्तों दोनों ही केस में यहाँ पे डिफरेंस क्या है, बिकॉज डिफरेंस है दैट इज वाई एक्स्ट्रा जो प्राइसिंग है दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है यहाँ पे ब्रॉडबैंड के केस में, दैट इज अराउंड आप लोग मान लीजिए 4,000 रुपए की एक्स्ट्रा प्राइसिंग जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ब्रॉडबैंड के अगर मैं केस में बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे आप लोगों को 2 HDMI 2 USB मिलते हैं, वेरस थॉमसन जो है यहाँ पे आप लोगों को 3 HDMI और 2 USB दे रहा है। नाउ क्या 3 HDMI ज्यादा बेनिफिशियल है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से उतना कुछ ज्यादा ये खास नहीं है, बिकॉज HDMI पोर्ट का यूज जो है दोस्तों अगर हम इंडियन हाउसहोल्ड्स की बात करें तो उतना ज्यादा यहाँ पे नहीं होता है। इनफैक्ट 2 HDMI अगर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं जो कि ज्यादातर आप लोग जो है दोस्तों गेमिंग या फिर पीसी प्लगइन के केस में करेंगे तो काफी मेरे ख्याल से सफिशिएंट होता है। फिर बात आ जाती है दोस्तों यहाँ पे ऑडियो फॉर्मेट्स की, तो दोनों ही केस में आप लोगों को डॉल्बी एटमॉस का जो है सपोर्ट देखने को मिलेगा, और दोनों ही केस में DTS 2 साउंड का सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जो ब्रॉडबैंड का केस है दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को डॉल्बी डिजिटल का सपोर्ट मिलेगा, वेरैस जो थॉमसन का केस है वहां पे आप लोगों को डॉल्बी डिजिटल प्लस का जो है सपोर्ट देखने को मिलेगा। नाउ क्या ये उतना ज्यादा जरूरी है, तो उससे पहले हम लोगों को जो है दोस्तों जरूरत है यहाँ पे दोनों के ही डिफरेंस समझने की। तो डॉल्बी जो डिजिटल होता है दोस्तों ये आपको जो है अप टू 5.1 का जो है साउंड देता है, वेरैस जो डिजिटल प्लस है वो आपको जो है 8.1 का जो है यहाँ पे साउंड देता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे बिट रेट की, तो डेफिनेटली दोस्तों डिजिटल प्लस में आपको जो है बिट रेट ज्यादा देखने को मिलेगा, और अगर आपके पास ब्लूरे प्लेयर है दोस्तों तो यहाँ पे आपका जो है थॉमसन टीवी आप लोगों को लेना चाहिए, because digital plus format ही जो है दोस्तों blu-ray को यहाँ पे support करता है, dolby digital जो format है वो आप लोगों को blu-ray को support यहाँ पे नहीं करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं दोस्तों indian household के हिसाब से तो दोनों में से क्या सही रहेगा, तो दोनों में से दोस्तों कुछ भी खरीद लो दोनों ही case जो है यहाँ पे सही है, because देखिए 8.1 का audio system मुझे नहीं लगता दोस्तों indian households के पास में होगा, ज्यादातर जो है दोस्तों उन लोगों के पास में पुराने जो है स्पीकर सिस्टम होते हैं या फिर आपका एक साउंड बार यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। मैं ऐसा एक्सपेक्ट यहाँ पे नहीं कर सकता दोस्तों की 40-50 हजार की टीवी के लिए आप जो है यहाँ पे 35-25 हजार रुपए जो है एक अच्छे साउंड के लिए फूक दें। इनफैक्ट यहाँ पे जो आप लोगों को इनबिल्ट साउंड मिलता है वो इनफैक्ट ओवरकिल हो जाता है। इसका मैं सबसे बड़ा एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे देता हूं दोस्तों कि अगर हम माने दोनों के ही साउंड के केस में, जो कि आप लोगों को थॉमसन के केस में अराउंड 40 वॉट का मिलता है और ब्रॉडबैंड के केस में अराउंड 60 वॉट का जो है दोस्तों देखने को मिलता है, दोनों ही केस में जरूरत से थोड़ा ज्यादा आप लोगों को जो देखने को मिलता है। अगर मैं इंडियन हाउसहोल्ड की बात करूं, अगर इंडियन हाउसहोल्ड की मैं बात करूं दोस्तों, तो 15x15 का अगर आपके पास घर है तो उस केस में दोस्तों 30 वॉट का साउंड आई थिंक एक ट्रू बैलेंस यहां पर निकल कर आता है। एनीथिंग ग्रेटर देन 30 वॉट इनफैक्ट मे स्टार्ट क्रिएटिंग सम डिस्टरबेंस। तो 40 वॉट का ले या फिर 60 वॉट का यहाँ पे ले दोस्तों, दोनों ही केस में आप लोगों को जरूरत से ज्यादा जो है यहाँ पे साउंड देखने को मिल जाता है। तो ऐसा मत सोचिए कि ब्रॉडबैंड जो है एक्स्ट्रा अगर आप लोगों के साथ में 5,000 रुपए ले रहा है तो उसके साउंड में जो है डेफिनेटली दोस्तों उतना ज्यादा पावर है, ये मैं मानता हूं, लेकिन क्या आपको उतने ज्यादा पावर की जरूरत है? तो फ्रेंड्स इनफैक्ट मेरा ऐसा मानना है कि उतने ज्यादा पावर की जरूरत नहीं है, बिकॉज ज्यादातर इंडियन जो हाउसहोल्ड्स होते हैं दोस्तों वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि घर जो है चिपके चिपके रहते हैं या फिर फ्लैट्स ऊपर नीचे रहते हैं, तो उस केस में दोस्तों अगर आप 60 वॉट का साउंड जो है पूरा प्ले भी करोगे तो इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग सम डिस्टर्बेंस टू द अदर्स हु आर लिविंग नियर बाय। तो कहने का मतलब जो मैं आप लोगों को यही बोल रहा हूं दोस्तों कि अगर आप ज्यादा जोर से यहां पे प्लेबैक इस चीज को करोगे तो आपके पड़ोसी जो है वो यहां पे बिल्कुल आराम से डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो 40 वाट जो है दोस्तों साउंड इनफैक्ट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ठीक है, आप जो है इसे लिमिटेडली यहां पे बजा सकते हो। बाकी ये फुल्ली दोस्तों आप लोगों के मैं ऊपर छोड़ता हूं कि कौन सी टीवी आप लोगों को जो है यहां पे कंसीडर करनी है। अगर आप दोनों में से किसी पे एक पे भी भरोसा करते हो देन डेफिनेटली गो फॉर इट। दोनों ही टीवी जो है अपने हिसाब से एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी जो है यहां पे प्रोवाइड कर रही है, और मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि आप अगर लेना चाहते हैं तो 55 इंच का जो मॉडल है वो लोग आप जो है यहां पे कंसीडर आराम से कर सकते हैं। आपका क्या मानना है दोस्तों दोनों ही केस में, मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में।